हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एनालाइज करने वाले हैं बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी कल कैसा परफॉर्म कर सकती है और कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए निकल कर आए हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें आज के हाई की और लो की, तो यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर इसका यानी कि आज का जो डे हाई था वो था 33,980 के आसपास का लेवल, और यहाँ पर अगर हम लो की बात करें तो जो हमारा लो बन रहा था यहाँ पर यानी कि आज का जो लो था वो था 33,515 के आसपास का लेवल। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए मार्केट इस यानी कि इन दोनों लेवल्स के बीच में थी, और यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है, तो यहाँ पर जो हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल था वो था 33,789 का लेवल। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस लेवल से बहुत बार ये रिजेक्शन को फेस कर रहा था, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम रिजेक्शन को फेस किया। जैसे ही मार्केट ओपन हुई थी यहाँ से एक अपसाइड को मूव दिया और यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया। उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद फिर से अपसाइड को मूव दिया और यहाँ पर देखिए कई बार यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया और मार्केट यहाँ पर जो है बिल्कुल साइडवेज रह गई। उसके बाद यहाँ पर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इस लेवल को ब्रेक किया और एक अपसाइड को मूव दिया। अब कल मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होती है 33,964 के आसपास, जहाँ पर इसने क्लोजिंग करी है, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी फ्लैट रेंज हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं लाइन को यानी कि फ्लैट रेंज ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये लेवल थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है। ये हमारे लिए जो है कल के लिए फ्लैट रेंज है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए 34,000 का लेवल जो है यहीं पर ही है इस पास में। तो यहाँ पर देखिए ये लेवल थोड़ा सा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता है और अपसाइड को मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसने रिजेक्शन फेस किया था, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर इसने रिजेक्शन को फेस किया, यानी कि यहाँ पर ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और आज भी देखिए इसने यहाँ पर रिजेक्शन को फेस किया, यानी इस रेजिस्टेंस को फेस किया और डाउन साइड की तरफ को मूव दिया। और यहाँ पर ये लेवल अगर ब्रेक होता है और अपसाइड को मूव करेगा, तो फ्रेंड यहाँ पर ये थोड़ा सा लेवल हम एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि 34,000 के लेवल जो है यहाँ पर पास में ही है। तो हम 34,000 का लेवल यहाँ पर जो है ड्रॉ कर लेते हैं, और ये यहाँ पर रेंज हम अपनी बढ़ा लेते हैं। ये हमने अपनी रेंज बना ली, यानी कि यहाँ पर मार्केट ओपन होगी और अपसाइड को मूव करेगी, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हमारा है बनता है, तो यहाँ पर ये जो हाई बना हुआ है 34,148 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। एक सेकेंड, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो यहाँ पर है, ये जो इसका गैप है ये गैप फिल हो सकता है, तो जो लेवल है इसका 34,345 का लेवल। तो फ्रेंड ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, और ये अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद यहाँ पर जो हमारा लेवल है, तो ये लेवल यहाँ पर निकल कर आ रहा है। यहाँ पर मैं लाइन को ड्रॉ करूँ तो ये लेवल है 34,433 के पास का लेवल। तो ये हमारे जो हैं कल के टारगेट्स हो सकते हैं अपसाइड के। तो चलिए मैं यहाँ पर लेवल लगा देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ये फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 34,150 का लेवल। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 34,345 के आसपास का लेवल, और उसके बाद 34,432 के आसपास का लेवल। तो फिर अगर हम डाउन साइड की तरफ के मूव देखते हैं, तो डाउन साइड की तरफ देखिए थोड़ा सा हमारे लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल है, और यहाँ पर ये लेवल, तो मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होकर डाउन साइड की तरफ को मूव करेगी, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, तो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हमारा ये जो लेवल था यानी कि 33,790 का लेवल, या इस लेवल को थोड़ा सा और एडजस्ट करूँ तो ये प्रॉपर लेवल है हमारा। तो फर्स्ट टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है 33,810 के आसपास का लेवल। तो ये हमारा जो होगा ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो फ्रेंड ये हमारा यहाँ पर ये फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट हमारा जो होगा नेक्स्ट टारगेट, तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 33,660 का लेवल होगा। ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। यहाँ पर मैं लेवल ड्रॉ कर देती हूँ
ये हमारा डाउन साइड की तरफ सेकंड टारगेट। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सपोर्ट लेवल है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है, तो ये भी हमारे लिए यानी कि हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 33,500 के आसपास का लेवल। तो फ्रेंड ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। तो फ्रेंड ये हमारे थे डाउन साइड के टारगेट्स, और ये हमारे थे अप साइड के टारगेट्स लेवल। मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होगी तो हमारे यही टारगेट्स होंगे, और अगर गैप अप या गैप डाउन होती है तो फिर वहाँ पर थोड़े से हमारे लेवल जो है वहाँ पर हमें एडजस्ट करने पड़ते हैं, थोड़े से लेवल हमारे यानी कि चेंज हो जाते हैं। तो फ्रेंड ये थी मेरी एनालिसिस और ये थे मेरे लेवल्स। देखते हैं मार्केट कल कहाँ पर ओपन होती है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।